बरहमपुर जिला में कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रही है। बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं किंतु वहां उन्हें खाने के लिए मिड डे मील नहीं दी जा रही है। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं व बच्चों के कुपोषण को लेकर विभिन्न तरीकों से योजनाएं चलाई जा रही है। हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन अभी भी नौनिहाल बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। बरहमपुर जिला के वाड्रप नगर में सारे आंगनबाड़ी केंद्र को सुचारू रूप से संचालित नहीं की जा रही है और कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां की स्थिति देखकर प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाया जा सकता है। वाड्रप नगर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लोधी के आंगनबाड़ी केंद्र तथा नागपानी का यह मामला है। ग्रामीणों का कहना है एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और मिड डे मील नहीं मिल रही है, वहीं दो महीनों से रेडी टू ईट भी नहीं दी जा रही है। जबकि इस मामले पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है उन्हें ऊपर से ही राशन नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में वह कहां से बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करेंगी, जबकि विभाग के अधिकारी अभी जांच करने की बात कर रहे हैं। मेरा नाम रीता नाम है। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ सतुआ नहीं मिलता है तो करते हैं कि आवे नहीं करता है तो। और खाना बनता है बच्चों को? खाना नहीं बनता है। कितना दिन से नहीं बना है? एक महीना हो गया। तो क्या आप बोलती है मैडम खाना को लेकर? मैडम बोलती है कि आवे नहीं करता है, चावल वहाँ से तो कहाँ खाना मिले। और जो रेडी टू ईट होता है, जो सतुआ होता है बच्चों को मिलता है सब महीने में 4 पैकेट, वो मिलता है यहाँ? नहीं, अभी नहीं वितरण हुआ है। क्या बोलते हैं मैडम? वो बोलती है कि ऊपर से आईबे नहीं कर रहा है तो हम कहाँ से दे। आपके माध्यम से मुझे ये शिकायत प्राप्त हुई है। मैं वहाँ के CDPO से बात करके वहाँ जाँच करने के लिए बोल दिया हूँ, और अगर मामले में सही में अनियमितता पाई जा रही है तो सख्त का अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। देखो फिर और जो और मैं यहाँ उधर फंसा के सो गया कि फिर 3 6 6